हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो भाई यार, आज की वीडियो जो है वो ब्रीडिंग बॉक्स के हवाले से, जिसे कुछ लोग खुड्डे भी कहते हैं और कुछ खाने भी कहते हैं, जिसमें बच्चे वगैरह देती हैं, तो इंग्लिश में ब्रीडिंग बॉक्स कहा जाता है। तो आज की वीडियो उसी के हवाले से कि आप किन किन तरीके से इनको एक छोटा ब्रीडिंग बॉक्स बना के दे सकते हो, कि क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हो ब्रीडिंग बॉक्स के लिए। और जब आपकी फीमेल रैबिट फीमेल प्रेग्नेंट हो, जब बच्चे देने वाली हो, तो आप उसको क्या क्या चीज़ें दे सकते हो जिसमें वो बच्चे दे दे। तो आज की वीडियो इसी के हवाले से, काफ़ी सारे लोगों ने बोला भी था मुझे कि इसके हवाले से वीडियो बनाओ, एक भाई ने भी बोला था, तो आज की वीडियो उसी के हवाले से। तो बिना टाइम वेस्ट करें अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई, जो पहला तरीका है हमारा वो है ये पेटी, जो सबके पास इजीली अवेलेबल होगा, किसी भी फ्रूट वाले से या सब्ज़ी वाले से आपको आराम से इजीली मिल जाएगा 20-30 रुपए में, या कोई ना कोई तो ऐसे ही दे देगा। तो पहला तरीका ये है जो आप इजीली कहीं से भी मिल सकता है आपको। तो ये नहीं कि आपने पेटी उठाई और बस ला के रख दी, इसको आराम से अच्छी तरीके से आपको देखना है अंदर से कि कोई कील वगैरह तो नहीं है, कोई ऐसी चुपने वाली कोई चीज़ तो नहीं है, जैसे कि ये है। ये आपको इसको एकदम ठीक करके रखना है, क्योंकि बाद में अगर कोई कील वगैरह चुप गई तो नुकसान होगा आपका। तो आपको बिल्कुल इसको ठीक करके, और इसको रखने का तरीका भी ये है कि आपने बिल्कुल इसको यूं ही सामने यूं ही नहीं रखनी। इसमें मसला ये होगा कि हवा डायरेक्ट जाएगी और बनीस वगैरह को हवा वगैरह लगेगी और वो मर जाएंगे। तो आपने ऐसे नहीं रखना इसको, या तो आप ऐसे दीवार के सहारे से रखो, ठीक है, इधर से जाएगी और वो घास वगैरह लेके जाके नेस्टिंग कर लेगी, या फिर आप इसको यूँ रखो, ठीक है, वो इधर से जाएगी और आराम से अपनी नेस्टिंग वगैरह कर लेगी। बस आपने इसको यूँ नहीं रखना, सामने की तरफ नहीं रखना, ठीक है। ये पहला तरीका है, ये बस आप मेरा मानो तो ये तरीका अप्लाई नहीं करो, ये यूज़ नहीं करो, क्योंकि इसमें बच्चे सेफ़ नहीं होते, ये इसमें निकल सकते हैं। आपने यूँ रखा हुआ है या फिर आपने यूँ भी रख लिया तो बच्चे फुदकते रहते हैं, बाहर निकलते रहते हैं। तो आपको ये नहीं होगा कि इसके अंदर ही बच्चे मिलें हर वक्त, कोई ना कोई बाहर पड़ा हुआ होगा, सर्दी वगैरह से मर जाएगा। तो ये तरीका इतना सेफ़ नहीं है, बस आपको अगर अर्जेंटली चाहिए तो ये तरीका यूज़ कर सकते हो, वरना जो मैंने जैसे ईंटों से बनाया हुआ है वो तरीका आप यूज़ कर लो तो वो बेहतर है, सस्ता भी और सही भी है। तो एक तरीका तो ये है, और बाकी जो दूसरा तरीका है, ओके, तो भाई दूसरा तरीका है हमारा ये, या आप देख सकते हो मिट्टी का एक मटका है, शायद आप देख रहे हो इसका। तो दूसरा तरीका है हमारा ये, या आपको इजीली किसी भी मिट्टी के जहाँ से बर्तन वगैरह मिलते हैं उधर से मिल जाएगा, किसी भी गड्ढे वगैरह वाले के पास, या जिसके पास से अफोरे वगैरह मिलते हैं उसके पास आपको इजीली ये मिल जाएगा। अगर नहीं भी मिलेगा तो वो आपको अरेंज करवा देगा, बस आपसे आपने साइज़ यही लेना है, इससे छोटा साइज़ नहीं लेना। और आप इसका मुँह वगैरह भी देख लो, इसी साइज़ का मुँह लेना है या फिर इससे बड़ा लेना है, इससे छोटा नहीं लेना, फिर जा नहीं पाएगी। तो दूसरा तरीका है हमारा ये, ये तरीका सबसे सेफ तरीका है, ना इसमें बच्चे वगैरह बाहर आएंगे, ना इसमें, अच्छा जो मैंने तरीका बताया है, जो मैं यूज़ जो करता हूँ ईंटों से, उसमें कभी कभार बच्चे वगैरह बाहर आते हैं, ईंट लगानी पड़ती है, इसमें वो मसला नहीं है। इसमें बस आपने किसी भी कोने पर इसको इस तरीके से रख देना, ठीक है, और जो आपने नेस्टिंग मटेरियल आपको प्रोवाइड करना है वो आराम से उठाएगी घास वगैरह और अंदर लेके जाके घोंसला बना लेगी, ठीक है। इसमें बच्चे वगैरह बाहर नहीं आ पाएंगे, देख सकते हो आप, आना भी चाहेंगे तो नहीं आएंगे। जब बड़े भी हो जाएंगे वो 15-20 दिन के, जब भी आप खुद ही निकाल लोगे उसको, वो खुद नहीं आ पाएंगे, आपको खुद हाथ वगैरह डाल के निकालने पड़ेंगे। तो दूसरा तरीका जो है हमारा ये है, सबसे सेफ़ तरीका है, ना इसमें कोई हवा वगैरह जाएगी, ना इसमें बच्चे बाहर आएंगे, ठीक है। बस ये थोड़ा कॉस्टली होता है, ये थोड़ी महंगी मिलेगी आपको, तो इस वजह से मैं ये थोड़ी यूज़ नहीं करता, मुझे ज़्यादा खाने चाहिए थे तो इसलिए मैंने ईंटों को ज़्यादा तरजीह दी बजाय इसके। ये भी रख सकते हो आप, प्रेफर मैं ये भी करूँगा, बस आपने पेटी नहीं रखनी, पेटी के अलावा या तो ये रख लो या फिर ईंटें रख लो। पेटी बस मैंने आपको बस एक आइडिया दिया है कि पेटी भी आप रख सकते हो, लेकिन मेरी मानो तो वो नहीं रखो, ये ठीक रहता है, या फिर आप ईंट रख लो। तो लेकिन मैंने ये कभी यूज़ नहीं करी, ये हंडिया मैं आपको बता दूँ, कभी मैंने इससे
ये कभी रखी नहीं है। मैं 3 साल से ही काम कर रहा हूँ, मैंने कभी खंडिया यूज़ नहीं करी। 3ों साल मैंने ईंटों से ही खाने बनाए थे और उसमें से ही बच्चे वगैरह सही ब्रीड वगैरह हुई है उसमें भी। ईंट मैंने ये कभी यूज़ मैंने करी तो नहीं है, लेकिन मैंने अक्सर यूट्यूब वगैरह पे वीडियोस देखी हैं, उधर लोग ये भी यूज़ करते हैं और इनके पास इनमें भी बच्चे वगैरह ब्रीड वगैरह आराम से होती है इनकी। तो रख सकते हो आप, बस अगर आपके पास कोना है तो यूँ रख लो, या फिर अगर आपके पास कोई सीधी जगह है तो इसको दीवार से अटका कर इधर और इधर ईंट लगा दो तो ये स्टेबल हो जाएगी। बस आप यूँ ही नहीं रख देना बस, ये वरना ये हिलती रहेगी, कभी यहाँ जाएगी कभी वहाँ जाएगी। तो आप ईंटें वगैरह अटका देना या फिर कोई कोना हो तो उस पर रख लेना। तो दूसरा तरीका हमारा ये था, आप चलते हैं हम अपने तीसरे तरीके पे। ओके, तो भाई अब बात करते हैं अपने तीसरे तरीके की। तीसरा जो ब्रीडिंग बॉक्स है वो ये है जो मैंने अपने बनाए में देख सकते हो आप। ये बड़ा इजी है बनाना, इसको कोई इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। बस आपने 3 ब्लॉक लेने, 3 ईंटें लेनी, और एक ये छोटा सा कोई ब्लॉक ले लो या कोई ईंट ले लो, उसको आधा काट दो। इसका भी मैं रीज़न बताता हूँ कि क्या रीज़न है। पहले आप ये बॉक्स चेक कर लो, इसमें आराम से आप अपने ईज़िली आप रैबिट की बनी उसकी ग्रोथ वगैरह भी देख सकते हो। बस आपने ये ऊपर एक तख्ता डालना और ये 3 ब्लॉक लगाने। बनाना भी मैं आपको वीडियो डाल देता हूँ, इस तरीके से आप बना भी सकते हो। तो बस आप इजीली, अगर आपको बनी इसकी ग्रोथ वगैरह भी देखनी है तो बस आपने ये थोड़ा ऊपर उठाया और आराम से आपने इधर से देख लिया। अब आप इसमें जगह भी देख लो कि किस कदर इसमें ज़्यादा जगह है। आराम से इजीली इधर से जाती है वो, इस तरफ अपना घोंसला बनाती है और बनीस वगैरह देती है। माशाल्लाह से इस खानों में अच्छे तरीके से वो पल भी जाते हैं, अच्छी ग्रोथ भी हो जाती है उनकी आराम से, और अच्छे अगर ज़्यादा बनीस भी हो तो भी इतना कोई मसला नहीं होता। ऐसे खानों में मेरे पास 9 बनीस भी आए हैं। अभी वो पीछे वाले खाने में है, अभी 7 बनीस भी हैं, वो इससे भी छोटा खाना है, वो उसमें ही बनीस है। ये खाने बेस्ट रहते हैं, और ये लगाने की एक ख़ास वजह ये है कि जब बनीस तकरीबन 8 या 9 दिन के होते हैं, या उनकी आंखें जब खुल जाती हैं 10-11 दिन के, तो वो फिर ना अपने खाने में घूमना शुरू हो जाते हैं। और कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि वो इधर से बाहर आना शुरू हो जाते हैं, कभी वो वहाँ पड़ा हुआ होगा कभी यहाँ पड़ा होगा। तो इस वजह से ये लगाता हूँ मैं। अभी देख सकते हो इस जिस जिस में बच्चे हैं मैंने उसमें लगाए हुए, इन सब में बच्चे हैं अभी, इस वजह से मैंने सब में लगाए हुए। इसमें मैंने आपको ऐसे ही दिखाया है कि किस तरीके से आप लगा सकते हो, तो ये इसलिए लगाया मैंने क्योंकि इसमें से बच्चे बाहर नहीं आए। वो बच्चे फिर बाहर आ जाते हैं, फिर वो कुछ बच्चे मिलते हैं कहीं से, कुछ कहीं से मिलते हैं, और फिर वो दूध वगैरह भी पिलाना होता है तो वो भूखे रह जाते हैं। अगर आप उठाना भूल जाओ उनको तो वो भूखे रह जाते हैं, इस वजह से एक जगह पे रहते हैं, खरगोशनी जाती है फीड वगैरह करा कर आ जाती है। तो ये है एक मेन रीज़न है इसका, ये लगाने का एक मेन रीज़न यही है कि बच्चे वगैरह बाहर नहीं आए, जितने भी हैं वो अंदर ही रहें, अंदर ही घूमते रहें, उसका इतना मसला नहीं है, लेकिन बाहर नहीं है। जैसे मेरे जो हिसाब से जो रहता है एक ये तरीका सही रहता है, क्योंकि एक तो ये सस्ता है। अब आप एक तरीका सेफ जो तरीका है, जो सबसे सेफ जो तरीका है वो है मटकी वाला तरीका। उसमें ना ही बच्चे बाहर आएंगे, ना ही उसमें कोई हवा का प्रॉब्लम होता है, ना ही कोई जगह का प्रॉब्लम है। एक तो वो बड़ी भी होती है, ऊपर से उसमें हवा भी इतनी नहीं जाती, उसके मुँह छोटा होता है इस वजह से। तो अगर आपके पास पैसे हैं तो आप वो मटकी ले लो, या फिर अगर आप सस्ता और ज़्यादा बनाने आपको इस तरीके से ज़्यादा खाने बनाने तो आप ये कर लो। ये तरीका मुझे सही लगता है इसलिए मैं यही तरीका यूज़ करता हूँ। बस आपने 3 ब्लॉक लेने उस पर कि खाने बनाने। बाकी आपको दिखा बताना था कि किस तरीके से आप खाने वगैरह बना सकते हो। ये कुछ तरीके थे जो मैंने जिसमें देखे हैं बच्चे आते हुए। बाकी आप वैसे तो कहीं पे भी बच्चे भी दे देती है वो खरगोशनी, उसका इतना मसला नहीं होता, लेकिन फिर मसला बाद में ये होता है कि बच्चे इधर उधर हो जाते हैं, फिर वो मिलते नहीं हैं और मर जाते हैं। इस वजह से खाना लाजमी आपको कुछ ना कुछ प्रोवाइड करना है, कोई ऐसी जगह प्रोवाइड करनी है जिसमें वो ईज़िली बच्चे दे दे। तो बस यही था इस वीडियो में, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने रैबिट्स का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।